नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घातांक और करणी के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सपोनेंट एंड सॉर्ट्स यानी घातांक की परिभाषा। यदि किसी पूर्णांक या पूर्ण संख्या को a को m बार गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल a का m घात रूप में प्राप्त होगा, जिसको संकेत में a की घात m से सूचित किया जाता है। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या को जब a को हम लगातार m बार गुणा करें तो क्या आएगा इसका मान। देखिए, जैसे हम इसको लिखें a गुणा a गुणा a गुणा a, a गुणा a गुणा a गुणा एक बार, दो बार, तीन बार, डॉट डॉट डॉट, a को हमने कितने बार ले लिया, m बार ले लिया। ये a जो है m बार आ रहा है, जैसे एक एक इस प्रकार से, तो a की घात m पांच बार आने पर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो a है इसे कहा जाता है आधार यानी बेस, और ये जो m है इसे कहा जाता है घात या घातांक, घात का अंक। जैसे उदाहरण के रूप में समझें, तीन की घात पाँच को हम लिख सकते हैं कि आधार क्या होगा इसका, आधार होगा तीन, और घात के रूप में, और घात होगी इसकी पाँच, जो ऊपर लिखी हुई संख्या होती है, यानी तीन को पाँच बार गुणा किया, तीन गुणा तीन। इसका मतलब है तीन की घात पाँच का मतलब होता है तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, एक दो तीन चार पाँच बार आपस में उसी संख्या को जब गुणा किया जाता है तो उसकी घात कहलाती है। इसके कुछ नियम हैं जो कि घातांक के महत्वपूर्ण नियम हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यानी अब लिखेंगे हम घातांक के कुछ नियम, घातांक के कुछ नियम जो कि आपको प्रश्न बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगी, इसे आप जरूर लर्न कर लें। मान लीजिए x और y कोई हमारी शून्य से बड़ी संख्याएं हैं, शून्य की अतिरिक्त संख्याएं हैं, नॉन जीरो नंबर, प्रमेय नंबर हैं, और m और n कोई पूर्णांक हैं। ठीक है, पहला ले लेते हैं x की घात m, एक x कोई एक शून्यतर यानी नॉन जीरो नंबर, जीरो से बड़ी है और प्रमेय नंबर, उसकी पावर m है, यानी m बार वो संख्या है, गुणा y की घात m। ठीक, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसका सूत्र आता है, आपस में इनके आधारों को गुणा कर लेते हैं और घात एक ही बार रहेगी, x गुणा y बराबर की घात m। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे दो की घात पाँच गुणा तीन की घात पाँच बराबर, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, दो गुणा तीन की घात पाँच, ये आ गया छः की घात पाँच। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करने में यूज करेंगे। सेकंड है एक्स की घात एम, और आधार जब सेम हो और घातें क्या हों, अलग अलग हों, तो ऐसे समय में क्या किया जाता है, घातों को आपस में जोड़ देते हैं, x की घात m धन n, आधार क्या हो, समान हो, घातें अलग अलग हैं, लेकिन ऊपर क्या था, आधार अलग अलग घात समान। तो ऐसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे तीन की घात सात गुणा तीन की घात दो, तो यह आ जाएगा तीन की घात सात धन दो बराबर तीन की घात नौ, तीन की घात नौ। अगला है थर्ड, इसका एक और इसका एक नियम पढ़ देते हैं, एक्स की घात एम को एक्स की घात एन से जब हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, अर्थात इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स की घात एम ओवर एक्स की घात एन। तो जब ऐसी संख्याएं होती तो घातें क्या हो जाती हैं, आपस में घट जाती हैं, एम ऋण एन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, चार की घात पाँच भागा चार की घात दो, तो क्या कह सकते हैं इसको, चार की घात पाँच बट्टा चार की घात दो, ए भी लिख सकते हैं, यानी
चार की घात पाँच ऋण दो, घटाने के बाद आ गया चार की घात तीन। ठीक, अगला ले लेते हैं रूल नंबर फोर। जब हमें दी हुई जो रेशनल नंबर है उसकी पावर दी हो, फिर से पावर हो, घात की घात हो, तो ऐसे में घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, m गुणा n। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, चार की घात पाँच की घात दो, तो ऐसे में क्या करेंगे, चार की जो घात हैं आपस में उनको गुणा कर लेंगे, पाँच दुना दस, तो चार की घात दस आ गया। अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे किसी भी संख्या की घात शून्य का बराबर एक मान होता है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कैसे मान हुआ, तो उसको मैं आज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप कभी भी जब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपके मन में जो शंका है वो शंका नहीं रहेगी। देखिए जैसे हम उदाहरण देते हैं, पहले मैं उदाहरण ले लेता हूँ, सात की घात शून्य बराबर एक। देखिए मान एक कैसे होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं शून्य का मान, मतलब एक्स की घात शून्य को लिख सकते हैं एक्स की घात पाँच ऋण पाँच। ठीक, जैसे हमने आपको थर्ड में बताया था, इस प्रकार से जब हमारी घातें क्या हों, आपस में घट रही हों, इसको रिवर्स में चलते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम बट्टे एन, यानी एक्स की घात पाँच बट्टा एक्स की घात पाँच लिख सकते हैं। बिल्कुल ऊपर जाने के बाद घातें आपस में घट जाएंगी, भाग दे देंगे। अब देखो जब अंश और हर में समान होते तो क्या हो जाती है, आपस में कैंसिल हो जाती है, एक्स की घात पाँच से इसको भाग दे देंगे एक बार, तो अगर ऊपर जाएगा तो घात घट जाती है, पाँच में पाँच घटा वो शून्य। तो जब भी किसी संख्या का मान निकालना हो इस तरीके से, तो उसकी घात आपस में जब घटती हैं और जब शून्य आता तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। ठीक, अगला लेते हैं एग्जाम्पल, सॉरी रूल सिक्स ले लेते हैं इसका, छठा नियम, एक्स की घात ऋण एम बराबर, जब घात ऋणात्मक होती है तो वो क्या आ जाती है, बट्टे में आ जाते हैं, हर में आते उसकी घात क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। ठीक है, यानी एक्स की घात ऋण एम बराबर एक्स एक बट्टा एक्स की घात एम। अगला ले लेते हैं इसको, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चार की घात ऋण दो, चार की घात ऋण दो बराबर हम लिख सकते हैं एक बट्टा चार की घात दो। ठीक है, यानी चार की घात दो का मतलब चार गुणा चार, न कि चार गुणा दो आठ नहीं आएगा, चार गुणा चार सोलह, एक बट्टा सोलह। ठीक है, और एक इसका अंतिम रूल लेते हैं, करणी के बारे में अब स्टडी करेंगे। तो घातांक की जो हमने नियम पढ़े, x की घात m गुणा x की घात m y की घात m, तो x गुणा y की घात m, ये फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा पढ़ा था x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m धन n। तीसरा था x की घात m को x की घात n से भाग देने पर घातें आपस में घट जाएंगी, m ऋण n। और चौथा था x की घात m की घात n, जब घात की घात होती है आपस में गुणा हो जाते हैं, उसका एग्जाम्पल भी दिया है। पाँचवा है जब x की घात शून्य हो, तो इसमें हमने पूरा डिस्क्राइब किया है कैसे घातें शून्य होती हैं, तो उसको हम घटाने के बाद उसका मान एक आता है, ये पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और छठा पड़ा था जब घात ऋणात्मक हो तो हर में आकर के घात धनात्मक बढ़ जाती है, उसका एग्जाम्पल भी आपको समझाया। सातवां था कि जब कोई प्रमेय संख्या के रूप में हो, घात ऋणात्मक हो तो रिवर्स हो जाती है, रिवर्स होने के बाद वो आपस में घात धनात्मक में हो जाएगी, और उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने की अति कृपा करेंगे, साथ ही नए तरीके से हम आप लोगों के लिए और भी ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, गणित के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से मेरे चैनल पर हैं तो अपने दोस्तों तक अपने मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो। और साथ ही आप लोग
लाइक करने में तो कंजूसी ना करें। मैं जितनी बार भी वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लाइक नहीं आते हैं या कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। काफ़ी लोग नए भी हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, साथ ही उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के अन्य वीडियोज़ भी देख सकते हैं। जब हम आप चैनल खोलते हैं, चैनल के पास पहला जो पार्ट आता है उसके बाद वीडियो आती है, वीडियो के बाद प्लेलिस्ट आता है, तो प्लेलिस्ट में आप उनके अंदर देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से मैटर पर वीडियो बनाई है। अब हम करणी पर चर्चा करेंगे। अगला है करणी शॉर्ट्स। यदि x एक प्रमेय संख्या है और n एक धन पूर्णांक, n वर्गमूल x एक अप्रमेय संख्या हो तब n वर्गमूल x को nवीं घात की करणी कहा जाता है। यहाँ कौन सी संख्या होनी चाहिए? एक अप्रमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक। और इसकी जो nवीं पार्ट होगी nवीं घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं उदाहरण वर्गमूल तीन। ये जो वर्गमूल चिन्ह है इसका मान होता है एक बट्टा दो, इसका मान जब तो कोई अंक इसमें लिखा न हो। एक द्विघात की करणी कहलाती है, ये कहलाई गई द्वितीय घात की करणी, द्वितीय घात की करणी। और चार वर्गमूल तीन, तो इसको हम बोलेंगे तीन की घात एक बट्टा चार, अर्थात एक करणी जिसकी घात चार हो। तो इस प्रकार की संख्याएं जहाँ पर होंगी जिसमें ये वाला चिन्ह होगा उसको हम करणी चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह हमारा करणी चिन्ह कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की वीडियोज में हम आगे भी चर्चा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जो जिन पर इनका प्रयोग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जहाँ पर नहीं आ रहा हो समझ में तो अपना कमेंट्स से अवगत कराएं ताकि अगली वीडियो में आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।